सो गाइज वेलकम टू योर चैनल रासल वर्ल्ड। तो गाइज WWE के अंदर जब भी कोई मैच होता है, कोई पेपर व्यू के अंदर, उससे पहले WWE काफ़ी लंबी चौड़ी हमें एक स्टोरी लाइन दिखाती है। अगर स्टोरी लाइन ज़्यादा तगड़ी रहती है तो हम उस मैच के लिए और भी एक्साइटेड हो जाते हैं और उस मैच के लिए हमारा इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। और कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है WWE स्टोरी लाइन बेहतर दिखाने चलते सुपर स्टार के रियल लाइफ चिल्ड्रन का यूज भी कर लेती है। और आज के इस एपिसोड में हम यही देखने वाले पाँच ऐसे पल जब WWE ने सुपरस्टार के रियल लाइफ चिल्ड्रन का यूज किया स्टोरी लाइन के अंदर। नंबर 5 की बात करें तो रोमन रिंग की डाउटर। तो गाइज रोमन रिंग की डाउटर का यूज किया गया था रोमन रिंग पर्सन ब्रेट वाइट के बीच फ्यूट में। और गाइज जब 2014 के अंदर फ्यूट चल रही थी रोमन रिंग पर्सन ब्रेट वाइट के बीच में, और वही समय एक स्टोरी लाइन के अंदर यूज किया गया था रोमन रिंग की डाउटर को। और गाइज बाद में पता चला था कि रोमन रिंग खुश नहीं थे कि उनके डाउटर को यूज किया गया स्टोरी लाइन के अंदर। नंबर 4 की बात करें तो मिज सॉन। तो गाइज मिज पर्सन द फिंड के बीच फ्यूट चली थी 2019 के अंदर, और बाद में हमने जाकर देखा था कि TLC के अंदर हमें दोनों के बीच मैच भी देखने को मिला था। अगर जब भी फ्यूट चल रही थी उस समय स्टोरी लाइन के अंदर इस फ्यूट के अंदर यूज किया गया था मिज के सॉन को। नंबर 3 की बात करें तो वहाँ पे नाम आता है निकोलस का। तो गाइज निकोलस जो कि WWE के रेफरी जॉन कॉन के बेटे है, और गाइज उन्हें यूज किया गया था रसोमीनिया 34 के अंदर, जब उन्हें कह दिया गया था कि आपको वहाँ बैठे हुए रहना है। फिर बाद में ग्राउंड स्टेशन आया था और डायरेक्ट निकोलस को उठा के वहाँ से ले आए थे स्टेडियम के अंदर से। फिर हमने देखा था एक मैच भी जो था ग्राउंड स्टेशन निकोलस पर्सन सेमसन सेजारो के बीच में, और वहाँ पे ग्राउंड स्टेशन उनकी टीम ने जीत भी ली थी रॉक टैग टीम चैंपियनशिप। लेकिन गाइस अगले नाइट निकोलस एंड ग्राउंड स्टेशन दोनों ने अपना टाइटल छोड़ के चले भी गए थे अगले रॉक के अंदर। अगर वहाँ पर निकोलस ने कहा था कि उन्हें अपना पढ़ाई कंप्लीट करना आने वापस स्कूल पर जाना है। लेकिन गाइस एक फ्यूड के अंदर एक स्टोरी लाइन के अंदर हमें निकोलस का यूज भी देखने को मिला था, और उन्होंने रॉ टैग टीम चैंपियनशिप भी जीत ली थी, और निकोलस WWE के हिस्ट्री के यंगेस्ट चैंपियन भी बन गए थे। नंबर 2 की बात करें तो लेसी इवेंस डाउटर। तो गाइस लेसी इवेंस पर सासा बैंक के बीच मैच हुआ समर स्लैम के अंदर, और इन दोनों के बीच में जब फ्यूड चल रही थी वही समय स्टोरी लाइन के अंदर यूज भी किया गया था लेसी इवेंस की डाउटर को। नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे नाम आता है डोमिनिक का। तो गाइस डोमिनिक रेम स्टूडियो के सन है, अगर उन्हें काफ़ी बार WWE के अंदर एक स्टोरी लाइन के अंदर यूज किया गया था। अभी हम रॉक के अंदर देख रहे थे कि सेट रॉलिंस के साथ जब रेमिस्ट्री के फ्यूड चल रही है उस समय भी डोमिनिक को यूज किया जा रहा है। और गाइस सबसे बैंकेट समय जब उन्हें यूज किया गया था जब फ्यूड चली थी रेमिस्ट्री और ब्रॉक लेजनर के बीच में, और हमें मैच भी देखने को मिला था सर्वाइवर सीरीज 2019 के अंदर ब्रॉक लेजनर पर्सन रेमिस्ट्री के बीच में। अगर इस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ डोमिनिक का, हमने देखा था कि ब्रॉक ने काफ़ी पूरी तरह से पिटाई भी कर दिया था डोमिनिक का, और सर्वाइवर सीरीज 2019 के अंदर डोमिनिक ने रिटर्न भी किया था, उन्होंने भी अटैक किया था ब्रॉक लेजनर को। और गाइस काफ़ी तगड़ी फ्यूड चली थी रेमिस्टेरियो और ब्रॉक लेजनर के बीच में, और डोमिनिक के आने से उस फ्यूड का मज़ा और भी ज़्यादा हो गया था। सो गाइस यही थे वो पांच पल जब WWE ने सुपरस्टार के रियल लाइफ चिल्ड्रन को यूज़ किया स्टोरी लाइन के अंदर। तो गाइस वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।